लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि। मालदा में चल रहे गैर कानूनी शराब के ठेके पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोगों ने पहले उक्त शराब के ठेके में जमकर तोड़फोड़ की और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इससे पहले कई बार प्रशासन को इस गैर कानूनी शराब के ठेके की जानकारी दी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने यह कदम उठाया। मालदा के मानिकचक थाने के पास जोगनी ग्राम इलाके में गैर कानूनी तरीके से शराब के ठेके बनाए गए थे, जिसका गांव के लोगों ने विरोध किया था और प्रशासन को भी सूचना दी थी। हालांकि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से गुस्साए गांव वालों ने खुद शराब के ठेके पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद ठेके को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से इलाके के कुछ असामाजिक लोग गांव में अवैध रूप से शराब के ठेके चला रहे थे। उक्त ठेके में शराब पीकर कई शराबी गांव वालों से बदसलूकी भी करते थे, वही महिलाओं पर अश्लील फप्तियां भी कसते थे। হ্যাঁ, অবৈধভাবে বিক্রি করছে, তারপরে মেয়ে ছেলে মানে আসছে রাস্তাঘাটে বা স্নান করতে আসছে, সেখানে রাস্তার মধ্যে বসে মদ খাচ্ছে, তারপরে প্লাস মেয়েরা যাচ্ছে বা টনু কাটছে, মদ যে বিক্রি করছে না আর খাচ্ছে, তারাও টোন কাটছে, রাস্তার মধ্যে শুয়ে থাকছে, খালি প্যান্টেও মানে শুয়ে থাকছে, এভাবে নোংরা খুবই একবার জঘন্য। শাম হতেহি গাঁও মে শরাবিও আর গুন্ডো কা জমঘট লগনা শুরু হো জাতা থা। ইসি কারণো সে তং আকার গাঁও ওয়ালো নে রবিবার দোপহর কো উক্ত ঠেকো পর হামলা বোল দিয়া। আজকে আমরা খবর পেয়েছি দারু বিক্রি হচ্ছে বাগানে, খবর পেয়ে আমরা এসছি, আসার আগে দারু যারা বিক্রি করতো তারা পালিয়ে গেছে, বোতল ধরা পড়েছে, বোতল ধরে আমরা বোতল কেটে ফেলেছি, পুড়িয়ে দিয়েছি আগুন লাগিয়ে। আমরা থানায় অভিযোগ দিয়েছি 5-7 বার, থানা কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, কোনো দারু হকারকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। এবার আমরা না পেরে সমাজবাসী মিলে প্রত্যেক দারুওয়ালাকে দারু ধরে আমরা দারু ফেলে দিয়েছি, দারু উঠিয়ে দিয়েছি এবং আমরা সমাজ থেকে দারু উঠাতে চাইছি। गाँव वालों का कहना है कि पुलिस इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस और शराबी के ठेके चलाने वालों के बीच आपसी मिलीभगत है। वहीं मालदा के ही इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का अनुमान है कि उक्त व्यक्ति किसी बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने के इरादे से इलाके में आया था। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मालदा के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मालदा शहर के रथबाड़ी गेस्ट हाउस के सामने इंग्लिश बाजार की पुलिस ने छापेमारी कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस को उस व्यक्ति के पास से एक पाइप गन और एक राउंड गोली मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि अभियुक्त मालदा जिले में किसी बड़े घटना को अंजाम देने के मकसद से आया था, पर उसके कुछ करने से पहले ही पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरें। खुफिया जानकारी पाकर एक अभियान के तहत मालदा के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने कुछ लाख रुपए मूल्य के अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। हालांकि इस घटना में किसी के गिरफ्तार होने की खबर नहीं मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात को इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने शहर के रथबाड़ी के नगर निगम के बाजार और देशबंधु चित्तरंजन नगर निगम के बाजार में छापेमारी चलाई। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई तरह के जोर से आवाज करने वाली प्रतिबंधित पटाखे मिली, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि दिवाली के दिन जिले के लोग इसे निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पाए, इसके लिए आने वाले दिनों में भी मालदा पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करेगी और असामाजिक गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।